वर्मा हेमवती नंदन बहुगुना गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के ग्यारहवें दीक्षांत समारोह के अवसर पर इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगणों भारतीय हिमालय विश्वविद्यालय संघ के सभी माननीय कुलपतियों प्रति कुलपति माननीय सांसद गढ़वाल श्री तीरसिंह जी तीरथ सिंह रावत जी माननीय विधायक देवप्रयाग श्री विनोद कंडारी जी मुख्य परीक्षा नियंत्रक वित्त अधिकारी विभिन्न संकायों के संकाय अध्यक्ष छात्रावास अधीक्षक अधिष्ठाता छात्र कल्याण मुख्य नियंता कुल सचिव निदेशक चौरास पौड़ी और टीरी परिसर विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष ग्यारहवें दीक्षांत समारोह के आयोजन समन्वयक व विभिन्न समितियों के संयोजक सदस्यगण शिक्षक कर्मचारी मीडिया के सदस्य व इस दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त कर रहे छात्र छात्राएं तथा उनके परिजन आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। ग्यारहवें दीक्षांत समारोह का विषय है सशक्त महिला समृद्ध राष्ट्र दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय परिवार एवं समस्त छात्र छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है गढ़वाल विश्वविद्यालय के ग्यारहवें दीक्षांत समारोह को साक्षी बनाने के लिए इस सभागार में उपस्थित आप सभी का हार्दिक आभार दीक्षांत समारोह की औपचारिक शुरुआत दो तीस पे होगी मेरा सभागार में उपस्थित समस्त अतिथि गणों से विनम्र अनुरोध है कि दीक्षांत शोभा यात्रा के सभागार में प्रवेश करते ही अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर करतल ध्वनि से शोभा यात्रा का स्वागत करें व राष्ट्रगान के उपरांत अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमारे आज के मुख्य अतिथि भारत की सर्वोच्च सैन्य प्रमुख भारतीय संविधान की संरक्षिका भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं आज के ग्यारहवें दीक्षांत समारोह के अति विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड राज्य के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल उत्तम युद्ध सेवा मेडल से विभूषित हैं दीक्षांत समारोह के विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड राज्य को विकास के नए क्षितिज पर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित श्री पुष्कर सिंह धामी जी माननीय मुख्यमंत्री हैं इस अवसर पर माननीय कुलाधिपति डॉ योगेंद्र नारायण व माननीय कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल जी भी हमारे बीच उपस्थित रहेंगे विश्वविद्यालय परिवार सभी माननीय अतिथिगणों का इस शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है Our honorable guest will grace the dice very soon. So, kindly maintain the decorum of the ceremony. Our honorable guest has arrived at the venue. আছালে दीक्षांत समारोह में शोभा यात्रा का प्रेक्षागृह में आगमन हो रहा है आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर दीक्षांत शोभा यात्रा का करतल ध्वनि से स्वागत करें इस शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति जी अति विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड माननीय कुलाधिपति माननीय कुलपति प्रति कुलपति विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के सम्मान्य सदस्यगण तथा विश्वविद्यालय की विद्या परिषद के सदस्य सम्मिलित हैं हिमवती नंदन बहुगुना गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के ग्यारहवीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भारत की भारत गणराज्य की प्रथम नागरिक विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ने वाली राष्ट्र प्रथम मंत्र को जीवन में चरितार्थ करने वाली भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ आपकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी अभिभूत हैं राष्ट्रगान गल गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ ना जागे शुभ आशिष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्यविधाता मैं ग्यारहवें दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति समारोह के अति विशिष्ट अतिथि एवं समारोह के विशिष्ट अतिथि माननीय कुलाधिपति एवं माननीय कुलपति महोदया से विनम्र निवेदन करती हूं कि वे दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ करें आप सभी का धन्यवाद अब मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से दीक्षांत समारोह के औपचारिक शुभारंभ हेतु निवेदन करती हूँ माननीय कुलाधिपति महोदय मैं हेमवती नंदन के आज के दीक्षांत समारोह के शुभ आरंभ की विधिवत घोषणा करता हूँ धन्यवाद अब मैं माननीय कुलपति से निवेदन करती हूँ में माननीय अतिथियों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय देने की कृपा करें माननीय कुलपति महोदया नमस्कार मैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के ग्यारहवें दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि नारी शक्ति एवं सशक्तिकरण की प्रतीक परम आदरणीय भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महोदया का पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ माननीय राष्ट्रपति जी जो हमारी विजिटर भी हैं का कोटि कोटि धन्यवाद कि हमारा निमंत्रण स्वीकार करके हमें हमारी स्थापना के पचासवें वर्ष में आशीर्वाद देने हेतु इस देवभूमि में पधारकर किया है अति विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी सेवानिवृत्त विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड के ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी व विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति डॉक्टर योगेंद्र नारायण जी का भी इस अवसर पर स्वागत और अभिनंदन है माननीय सांसद पौड़ी गढ़वाल डॉक्टर तीरथ सिंह रावत जी जो अभी नहीं हैं विधायक देवप्रयाग श्री विनोद कंडारी जी विधायक पौड़ी श्री राजकुमार पौरी जी का भी हार्दिक स्वागत है विश्वविद्यालय की कार्य परिषद विद्या परिषद प्रतिकुलपति अन्य आमंत्रित अतिथियों समस्त शिक्षकों दीक्षांत समारोह के संयोजक व समिति सदस्यों कर्मचारियों माननीय राष्ट्रपति जी के परिवारजनों और अधिकारीगणों राजभवन के अधिकारीगणों राज्य के प्रशासनिक अधिकारीगणों छात्र संघ पदाधिकारियों उपाधि धारकों स्वर्ण पदक विजेताओं व मीडिया से जुड़े सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ <प्रागा> 1973 में स्थापित व 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त इस विश्वविद्यालय की 50 वर्षीय शैक्षणिक यात्रा अनेक उपलब्धियों से सुसज्जित है मैं इस अवसर पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान देने वाले सभी महानुभों को नमन करती हूँ तीनों परिसरों में ग्यारह संकायों के अंतर्गत संचालित उनचास विभागों में अध्ययन अध्यापन और शोध के महत्वपूर्ण कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो रहे हैं छात्रों की कुल संख्या बारह जिसमें छः हजार छात्राएं व छः हजार नवासी छात्र हैं विश्वविद्यालय शोधों का केंद्र बिंदु वैज्ञानिक सामाजिक आर्थिक पर्यावरण जलवायु परिवर्तन आपदा प्रबंधन कला एवं लोक संस्कृति भारतीय भाषाएं पर्यटन पुरातत्व भारतीय ज्ञान परंपरा व उच्च पादव शोध केंद्रों के द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति है इसीलिए विश्वविद्यालय के नेतृत्व में 2020 में भारतीय हिमालयन केंद्रीय विश्वविद्यालय कंसोर्शियम की तथा नीति आयोग के सहयोग से हिमालय क्षेत्र में स्थित तेरह केंद्रीय विश्वविद्यालयों व एक राष्ट्रीय शोध संस्थान के साथ अभिनव पहल से हिमालय क्षेत्र की पांच महत्वपूर्ण समस्याओं पर पांच आलेख व भारत की जी ट्वेंटी अध्यक्षता की दृष्टिगत एक हिमालय एक नीति का आलेख भी हमारे द्वारा तैयार किया गया विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ही अध्ययन अध्यापन व कौशल विकास पाठ्यक्रम विकसित किए जा रहे हैं प्रवेश सी से दिया जा रहा है यद्यपि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के कारण इंटरनेट की समस्या से सी व अन्य परीक्षाओं के लिए चुनौती उत्पन्न हुई है परंतु उसका समाधान भी निकाला जा रहा है डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को यूपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं एवं मालवी मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर शिक्षकों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए प्रशिक्षित कर रहा है इस वर्ष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में शिक्षकों द्वारा छः शोध पत्र, शोधपत्र एक सौ इक्यानवे पुस्तक अध्याय तथा उनतालीस पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं विश्वविद्यालय के शिक्षकों को चार पेटेंट भी प्राप्त हुए हैं कई संस्थानों के साथ एमओयू के अनुसार कार्य किए जा रहे हैं विश्वविद्यालय में नवाचार प्रकोष्ठ तथा शोध एवं विकास प्रकोष्ठ भी यू के निर्देशानुसार स्थापित है आत्मनिर्भर भारत के आदर्श को साकार करने की दिशा में हॉर्टिकल्चर रूरल टेक्नोलॉजी हैप्रैक और जंतु विज्ञान विभाग के शोधार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा एच एन बी जियो फ्रेश का संचालन किया जा रहा है केंद्रीय पुस्तकालय पूर्णतः स्वचालित हो गया है व पुरातात्विक संग्रहालय भी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग पुराव को प्रदर्शित करने हेतु कर रहा है छात्रों के लिए न्यूनतम लागत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ पठन पाठन के आधुनिक सुविधाओं के अवसर प्राप्त हो रहे हैं मिशन मोड भर्ती के अंतर्गत 107 संकाय सदस्यों व 17 प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति की गई है भौगोलिक दूरी के कारण तीनों परिसरों में प्रभावी प्रशासन बनाए रखना शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों की कमी व सीमित वित्तीय संसाधन हमारी प्रमुख चुनौतियाँ हैं परंतु चुनौतियों का सामना करते हुए भी हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं और कई स्वर्णिम वृक्षों को अपने योग्य विद्यार्थियों के माध्यम से जो कि नैतिक मूल्यों के वाहक भी होंगे प्राप्त करेंगे मुझे अपार हर्ष है कि परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया के समक्ष स्नातकोत्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त चौवालीस विद्यार्थियों जिनमें तीस छात्राएं व चौदह छात्र हैं को स्वर्ण पदक दिए जा रहे हैं अठानवे शोधार्थियों को पीएचडी उपाधि तथा कुल एक हजार एक सौ बयासी स्नातकोत्तर उपाधियाँ छः सौ इकहत्तर छात्राओं व पाँच सौ ग्यारह छात्रों को प्रदान की जा रही हैं उन सबको मेरी शुभकामनाएं। मैं एक बार पुनः परम आदरणीय माननीय राष्ट्रपति महोदया माननीय राज्यपाल महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय कुलाधिपति जी और इस समारोह में उपस्थित सभी सुदीजनों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ नमस्कार धन्यवाद धन्यवाद कुलपति महोदय मेरा माननीय कुलपति महोदया से निवेदन है कि वे हमारे मुख्य अतिथि समावेशी विकास एवं उद्यमशीलता की संस्कृति की पक्षधर वंचितों के समग्र विकास के लिए कृतसंकल्पित शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम मानने वाली भारत की माननीय राष्ट्रपति जी को अंगवस्त्र विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती का प्रतीक चिन्ह एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करें अंगोरा अंग वस्त्र उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली के भोटिया जनजाति की बहनों द्वारा निर्मित विश्वविद्यालय की 50 वर्षों की यात्रा को प्रदर्शित करता हुआ स्वर्ण जयंती का प्रतीक चिन्ह स्मृति के रूप में शक्ति का प्रतीक महिषासुर मर्दिनी की दसवीं ग्यारहवीं शताब्दी की रानीहाट टीढ़ी गढ़वाल से प्राप्त प्रतिमा तथा हमारे विश्वविद्यालय के संग्रहालय में संग्रही जिसकी रेजन निर्मित प्रतिकृति प्रदान की जा रही है मेरा पुणे माननीय कुलपति महोदया से निवेदन है कि वे हमारे अति विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी को अंगवस्त्र विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती का प्रतीक चिन्ह एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करें अंगोरा अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह के रूप में विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह स्मृति प्रती चिन्ह के रूप में कीर्ति की छठवीं सातवीं शताब्दी में निर्मित लालडांग पौड़ी गढ़वाल से प्राप्त प्रतिमा तथा हमारे विश्वविद्यालय के संग्रहालय में संग्रही जिसकी रेज़िन निर्मित प्रतिकृति प्रदान की जा रही है मेरा माननीय कुलपति महोदया से निवेदन है कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड को विकास पद पर ले जाने के लिए अहिनेश प्रयत्न करने वाले माननीय मुख्यमंत्री सम्मानित श्री पुष्कर सिंह धामी जी को अंग वस्त्र विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती का प्रतीक चिन्ह चिन्ह कीर्ति मुख की प्रतिमा धन्यवाद महोदया मेरा विश्वविद्यालय की तकनीकी टीम से निवेदन है कि वे विश्वविद्यालय के नए अकादमिक उपक्रमों एवं शोध उपलब्धियों से संबंधित एक संक्षिप्त वृत्तचित्र प्रस्तुत करें गंगा और हिमालय के प्राकृतिक परिवेश में अवस्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1971 इकहत्तर से तिहत्तर के समय में इस क्षेत्र के जनमानस द्वारा व्यापक रूप से किए गए संगठित एवं सतत जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप एक दिसंबर 1973 को हुई भौगोलिक विषमताओं के मध्य उच्च शिक्षा के अवसर सुलभ करने के लिए विश्वविद्यालय ने परंपरागत पाठ्यक्रमों के साथ साथ क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनेकों पाठ्यक्रमों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच बनाने को प्राथमिकता दी ग्यारह संकायों में विभाजित इक्यावन विभागों के माध्यम से तीन अलग अलग स्थानों पर अवस्थित परिसरों से विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक क्रियाकलापों का संचालन किया जा रहा है स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम से पहचान बनाने वाले गढ़वाल विश्वविद्यालय ने वर्ष 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के पश्चात प्रकृति पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं लोक संस्कृति संरक्षण कार्यक्रमों के साथ ही चित्रा सैरसलीका समाधान एवं साथ जैसे अभियानों का संचालन भी प्रारंभ किया शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नति की दिशा में विश्वविद्यालय से मांगल गायन में प्रशिक्षित महिलाएं अपनी प्रस्तुतियों से आय अर्जित कर रही हैं। इसी प्रकार उत्तराखंड पर्यटक गाइड तथा गंगा गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम मत्स्य पालन में कौशल विकास तथा मशरूम स्पॉन तकनीक से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुलभ हो रहे हैं। कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा सुलटियाल के नेतृत्व में हिमालयी राज्यों के विश्वविद्यालयों के संघ के माध्यम से पांच नीतिगत विषयों पर नीति आयोग को दिए गए सुझावों एवं जी सम्मेलन के अंतर्गत भारतीय हिमालयी क्षेत्र के सतत विकास हेतु गठित नीति प्रस्ताव से हिमालय क्षेत्र के निवासियों की साझी समस्याओं के निराकरण की संभावना बनी है पिछले पांच वर्षों के दौरान शोध केंद्र तुंगनाथ के तत्वावधान में 203 गांवों के चार हजार काश्तकारों को औषधीय एवं सगन्ध पादपों के कृषिकरण से जोड़ने पर स्वरोजगार के अवसर सुलभ हुए हैं विगत तीन वर्षों के दौरान 135 नए शिक्षकों एवं कार्मिकों की तैनाती डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस का संचालन पुस्तकालय ऑटोमेशन मिलिट्स को बढ़ावा देने के लिए काश्तकारों को तकनीकी प्रशिक्षण आपदा से क्षतिग्रस्त हो चुके क्रीड़ा स्थल पर रेल विकास निगम के माध्यम से खनन भरान का कार्य जिससे 30 से 35 करोड़ रुपए की बचत का अनुमान है एवं 850 सौ पचास क्षमता के सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना उल्लेखनीय है अनेक संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों से परस्पर शैक्षिक विनिमय स्थापित करते हुए विगत एक वर्ष की समयावधि में विश्वविद्यालय प्राध्यापकों के छह पेटेंट सैतीस पुस्तकें तथा 600 से अधिक शोध पत्र भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं क्षेत्रीय अभियान के संचालन का विषय हो अथवा G20 व अमृतकाल विमर्श जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों का प्रकरण हर अवसर पर विश्वविद्यालय ने नेतृत्व एवं कार्यकर्ता दोनों ही भूमिकाओं में इन कार्यक्रमों को उद्देश्यपूर्ण ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया है बारह हजार सौ इक्यासी विद्यार्थियों चार सौ सत्तानवे शोधार्थियों तीन सौ दो प्राध्यापकों 550 सौ पचास से अधिक कर्मियों के साथ पूर्व छात्रों के योगदान तथा हर स्तर पर प्राप्त सामाजिक सहयोग के कारण ही यह विश्वविद्यालय प्रगति के पथ पर अग्रसर रहते हुए अपनी स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष पूर्ण कर पाया है आइए इस अवसर पर हम सब पूर्व वर्षों के दीक्षांत समारोहों में सम्मिलित महानुभावों जिनमें प्रमुख रूप से श्री एचएन एन बहुगुणा डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम श्री अजीत डोभाल एवं श्री विपिन रावत सम्मिलित हैं के प्रेरक संदेशों का स्मरण करते हुए आज ग्यारह में दीक्षांत समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति महोदया के जीवन एवं कार्यों से प्रेरित होकर स्वर्ण जयंती वर्ष के ध्येय एक एक क्षण गवाए बिना विद्या ग्रहण करनी चाहिए जो गंगा के प्रवाह की तरह सतत निर्मल एवं लोक कल्याण के लिए हो को आत्मसात करने का संकल्प लें प्रस्तुति के लिए आपका धन्यवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा माननीय कुलपति महोदया से दीक्षा वाचन हेतु विनम्र अनुरोध है माननीय कुलपति महोदया सभी उपाधि प्राप्त करने वाले दीक्षार्थियों से मेरा अनुरोध है कि वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और दीक्षा ग्रहण करें यह आदेश है यह उपदेश है सत्य बोलो धर्म का आचरण करो स्वाध्याय में प्रमाद मत करो आचार्य के प्रति कर्तव्य पूरा करो कल्याणकारी कार्यों में प्रमाद मत करो ज्ञान के प्रसार और स्वाध्याय में प्रमाद मत करो देवों और पितरों को पित के प्रति कर्तव्यों का पालन करो माता और पिता को देवता के समान समझो आचार्य को देवता के समान समझो अतिथि को देवता के समान समझो जो आनंदित कर्म है केवल उन्हीं को करो जो हमारे अच्छे आचरण हैं उन्हीं को ग्रहण करो औरों को नहीं जो अपने से श्रेष्ठ विद्वान हैं उनको आसन देकर सम्मानित करो श्रद्धा से देना चाहिए अश्रद्धा से नहीं विनीत बनकर कर्तव्य समझ कर और पूर्वक दान देना चाहिए यदि तुम्हें कर्म अथवा आचरण के विषय में संदेह हो तो जो विवेकशील कर्मरत सहृदय और धर्मानुरागी पुरुष हैं उनके आचरण को आदेश मानकर कार्य करो जिन पर दोषारोपण होता है उनके साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा विवेकशील कर्मरत सहृदय और धर्मानुरागी पुरुष करते हैं यह आदेश है यही उपदेश है यही धर्मों का रहस्य है यही अनुशासन है इसका इसी रीति से पालन करो अब मैं माननीय कुलपति महोदया से अनुरोध करती हूं कि वे उपाधि धारकों को प्रस्तुत करने हेतु कुल सचिव डॉक्टर धीरा शर्मा को निर्देशित करें मैं कुल सचिव डॉक्टर धीरज शर्मा को निर्देश देती हूँ कि वो उपाधि प्राप्त करने वाले सभी दीक्षार्थियों को प्रस्तुत करें मैं सभी पीएचडी एवं स्नातकोत्तर दीक्षार्थियों से अनुरोध करता हूँ कि संबंधित संकाय की उद्घोषणा के अनुसार अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कृषि एवं संबंधित विज्ञान संकाय में पीएचडी के एक और स्नातकोत्तर के सड़सठ दीक्षार्थी विज्ञान संकाय में पीएचडी के नौ और स्नातकोत्तर के 248 दीक्षार्थी वाणिज्य संकाय में पीएचडी के दस और स्नातकोत्तर के 55 दीक्षार्थी पृथ्वी विज्ञान संकाय में पीएचडी के 19 और स्नातकोत्तर के 88 दीक्षार्थी शिक्षा संकाय में पीएचडी के 5 और स्नातकोत्तर के अंठानवे दीक्षार्थी अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संकाय में पी के दो और स्नातकोत्तर के सैंतीस दीक्षार्थी कला संचार तथा भाषा संकाय में पीएचडी के पंद्रह और स्नातकोत्तर के एक सौ चौथे दीक्षार्थी मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में पीएचडी के इकतीस और स्नातकोत्तर के एक सौ बयासी दीक्षार्थी विधि विज्ञान संकाय में पीएचडी के दो और स्नातकोत्तर के बाईस दीक्षार्थी जीव विज्ञान संकाय में पीएचडी के दो और स्नातकोत्तर के दो सौ पंद्रह दीक्षार्थी और प्रबंधन संकाय में पीएचडी के दो और स्नातकोत्तर के छप्पन दीक्षार्थी जिनकी परीक्षा ले ली गई है एवं जो योग्य प्रमाणित हो चुके हैं उनको उपाधि के लिए प्रस्तुत करता हूँ मेरी प्रार्थना है कि उन्हें उक्त उपाधियाँ प्रदान की जाएँ मैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के पद द्वारा प्राप्त अधिकार से सभी प्रस्तुत दीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय की विभिन्न उपाधियों में प्रविष्ट प्रदान करती हूं और उपदेश देती हूं कि वह आजीवन इस उपाधि के योग्य सिद्ध हों। अब आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि की अनुमति से कुल सचिव डॉक्टर धीरज शर्मा से अनुरोध करती हूं कि स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले दीक्षार्थियों के नामों की घोषणा करें जिनको भारत की माननीय राष्ट्रपति द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा कुल सचिव महोदय समृद्धि गोल्ड मेडल इन एमए ज्योग्राफी बिरला कैंपस श्रीनगर शशांक सिंह नेगी गोल्ड मेडल इन एमएससी स्टैटिस्टिक्स बिरला कैंपस श्रीनगर साक्षी मल गोल्ड मेडल इन मास्टर ऑफ सोशल वर्क बिरला कैंपस श्रीनगर ज्योति थपलियाल गोल्ड मेडल इन एमएससी फॉरेस्ट्री बिरला कैंपस श्रीनगर महेश कुमार गोल्ड मेडल इन एमएससी सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिरला कैंपस श्रीनगर अमित कुमार गोल्ड मेडल इन मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस बिरला कैंपस श्रीनगर राहुल शर्मा गोल्ड मेडल इन एमए, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज बिरला कैंपस श्रीनगर दीक्षिता शर्मा गोल्ड मेडल इन एमएससी रूरल टेक्नोलॉजी बिरला कैंपस श्रीनगर वैशाली पलड़िया गोल्ड मेडल इन एमएससी माइक्रोबायोलॉजी बिरला कैंपस श्रीनगर पारुल सैनी गोल्ड मेडल इन एमएससी जूलॉजी बीजीआर कैंपस पौड़ी गढ़वाल धर्मेंद्र सिंह गोल्ड मेडल इन मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बिरला कैंपस श्रीनगर ईशा सैनी गोल्ड मेडल इन एम ए ड्रॉइंग एंड पेंटिंग एस एस डी पी सी कन्या महाविद्यालय रुड़की आकाश कुमार गोल्ड मेडल इन मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बिरला कैंपस श्रीनगर हिराज उपाध्याय गोल्ड मेडल इन एम बी ए टूरिज्म बिरला कैंपस श्रीनगर नंदा गोल्ड मेडल इन एम ए म्यूजिक बिरला कैंपस श्रीनगर शिवाली गोल्ड मेडल इन एमएससी जियोलॉजी बिरला कैंपस श्रीनगर प्रिया गोल्ड मेडल इन एमए एजुकेशन एसआरटी कैंपस बादशाह थॉल टेहरी ईशा गौतम गोल्ड मेडल इन एमए होम साइंस मेथोडिस्ट गर्ल्स डिग्री कॉलेज रुड़की श्रेयाशी हजरा गोल्ड मेडल इन एम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डॉल्फिन पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल एंड नेचुरल साइंसेज देहरादून मोनी कुमारी गोल्ड मेडल इन एमएससी बायोकेमिस्ट्री, डॉल्फिन पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल एंड नेचुरल साइंसेज देहरादून मनी मित्तल गोल्ड मेडल इन एमए इंग्लिश गर्ग डिग्री कॉलेज लक्सर हरिद्वार संयम सुंदरियाल गोल्ड मेडल इन मास्टर ऑफ लॉ एसआरटी कैंपस बादशाही थॉल टेहरी रेखा बागड़ी गोल्ड मेडल इन एमएससी एनवायरमेंटल साइंसेस बिरला कैंपस श्रीनगर अक्षिता रावत गोल्ड मेडल इन एमएससी बायोटेक्नोलॉजी बिरला कैंपस श्रीनगर कन्हैया प्रसाद डॉक्टर पीतांबर दत्त भरतवाल मेमोरियल गोल्ड मेडल इन ऑल थ्री यूनिवर्सिटी कैम्पसेज इन एम ए हिंदी एस आर टी कैम्पस बादशाहि थॉल टिहरी महिमा सिंह यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल एंड लेट श्रीमती मालिति पुरोहित मेमोरियल कैश प्राइज इन एम ए एंड मास कम्युनिकेशन बिरला कैंपस श्रीनगर शुभानी असवाल यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल एंड लेट श्रीमती मालिती पुरोहित मेमोरियल कैश प्राइज़ इन एम ए जरनलिजम एंड मास कम्युनिकेशन दून बिजनेस स्कूल देहरादून पूजा पलड़िया यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल एंड लेट डॉक्टर कुलानंद पुरोहित मेमोरियल गोल्ड मेडल इन एम एस हॉर्टिकल्चर बिरला कैंपस श्रीनगर स्वाति सेमवाल यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल एंड श्री बल्लूमल जैन मेमोरियल गोल्ड मेडल इन एम हिस्ट्री बिरला कैंपस श्रीनगर रोमाना यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल एंड डॉक्टर डी एस भकनी मेमोरियल गोल्ड मेडल इन एम एस सी गर्ग डिग्री कॉलेज लक्सर हरिद्वार इशिका रावत यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल एंड श्री ठाकुर गुमान सिंह बिस्ट मेमोरियल गोल्ड मेडल इन एम इकोनॉमिक्स एम के कॉलेज देहरादून दिव्या सैनी यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल एंड श्री नरेंद्र ट्रस्ट मेमोरियल गोल्ड मेडल इन मास्टर ऑफ कॉमर्स मेथोडिस्ट गर्ल्स डिग्री कॉलेज रुड़की अभिवंदिता राणा यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल एंड श्री हरिलाल अग्रवाल मेमोरियल गोल्ड मेडल इन एमएससी बॉटनी डीबीएस पीजी कॉलेज देहरादून निकिता यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल एंड श्री रुकमती देवी मेमोरियल गोल्ड मेडल हिंदी बी एस एम पी कॉलेज रुड़की उत्तराखंड के युवा ओजस्वी सादगी पसंद व्यक्तित्व के धनी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर देवभूमि उत्तराखंड का नेतृत्व कर रहे हैं आप उत्तराखंड के अंतिम छोर पर खड़े हुए हर व्यक्ति को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों इसके लिए दिन रात प्रयत्नशील हैं। ऐसे दृढ़ व्यक्तित्व के धनी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को उनके उद्बोधन हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी गढ़वाल विश्वविद्यालय के ग्यारहवें दीक्षांत समारोह में आज के इस समारोह की मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति आरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी कुलाधिपति डॉक्टर नारायण जी कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नोटियाल जी इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई विनोद कंडारी जी पौड़ी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई राजकुमार पौरी जी प्रति कुलपति जी एवं विश्वविद्यालय के सभी हमारे आचार्यगण सभी प्रध्याप प्राध्यापकगण आए हुए सभी अतिथिगण और आज जिनके निमित्त ये दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु मैं सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर और साथ ही विश्वविद्यालय का स्वर्ण जयंती वर्ष भी है उसकी मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। मैं उत्तराखंड की ज्ञान की अविरल गंगा को प्रभावित करने वाले इस संस्थान में उपस्थित होकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज के इस अवसर पर मैं हिमालय पुत्र स्वर्गीय हेमती नंदन बहुगुणा जी को भी नमन करता हूं कि यह विश्वविद्यालय हिमालय पुत्र स्वर्गीय हिमती नंदन भगुणा जी की विकासवादी सोच का परिणाम है भाइयों बहनों इस दिक्ष इस वर्ष दीक्षांत समारोह की थीम सशक्त महिला समृद्ध भाद्र रखी गई है और जैसी थीम है उसी के अनुरूप हमारा जिसका स्पष्ट उदाहरण आज के इस दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं आपका जीवन आपके शुरुआती संघर्ष आपकी समृद्ध सेवा और आपकी अनुकरणीय सफलता प्रत्येक हरेक भारती को प्रेरित करती है आप आप हमारे नागरिकों विशेष रूप से गरीबों दलितों और समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए आशा की कि एक किरण बनकर उभरी हैं आपका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा क्रोत है और आप, आप अपने संघर्ष को आपने शक्ति बनाकर आप यहाँ तक पहुँची हैं मैं आपकी जीवटता और आपके समर्पण शक्ति को प्रणाम करता हूँ आप सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं भाइयों बहनों महिलाएं उत्तराखंड के आर्थिकी एवं पूरे जीवनचर्या की मजबूत आधार हैं मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि अभी हमारे माननीय राज्यपाल जी मुझसे यहाँ पर पूछ रहे थे जब सभी को माननीय राष्ट्रपति महोदय पदक दे रही थी तो इसमें से आज पदक धारकों में छात्राओं की संख्या अधिक है और चवालीस स्वर्ण पदक विजेताओं में छात्राएं हैं यह एक सुखद संकेत है मैं आप सभी से छात्र छात्राओं से यह कहना चाहूँगा कि जीवन में सब कुछ करें परंतु कभी तनाव न लें मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि आप सभी बड़ी गंभीर मुद्रा में यहाँ बैठे हुए हैं जबकि आज हमारे बीच में हमारी प्रेरणा स्रोत माननीय राष्ट्रपति जी हम सबको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ आई हुई है क्या कोई कारण है क्या आज तो बहुत खुशी का दिन है याद कीजिए वो दिन जब आप सब लोग पहले दिन विश्वविद्यालय में आए होंगे या महाविद्यालय में आए होंगे या कभी आपने इस यूनिवर्सिटी में कदम रखा होगा घर में माँ पिता चाचा मामा ने बहुत सारी सूचनाएं दी होंगी कि विश्वविद्यालय में जा रहे हो वहाँ ऐसा नहीं करना ऐसा करना आ, इस प्रकार मत करना एक प्रकार से आज भी वही पल है पर याद रहे इसके पश्चात आपको स्वयं ही क्योंकि आज जो आज को उपाधि प्राप्त हो गई है आपको स्वयं ही अब आगे के संघर्षों का सामना करना है कभी आपने सोचा है कि जब आप क्लासरूम में होते हैं इंस्टीट्यूट में थे पढ़ रहे थे तब आप कितने अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करते थे कोई कठिनाई आई तो कोई सीनियर मिल गए कोई साथी मिल गए आ, उसका समाधान हो जाता था या कोई हमारे अध्यापक मिल गए प्रोफेसर मिल गए अगर वो भी नहीं मिले तो डीन मिल गए चूँकि मैं भी विश्वविद्यालय में काफ़ी दिनों तक पढ़ा हूँ इसलिए मैं आप सबके समक्ष खड़ा हो रहा हूँ तो मुझे भी अपने दिन याद आ रहे हैं इसलिए मैं आप सबसे इस प्रकार का संवाद कर रहा हूँ आपको अब तक जितने भी सुरक्षित माहौल में फैसला करने की नौबत आई होगी लेकिन अब आज उपाधि प्राप्त करने के बाद आप सभी को एकलव्य की तरह एकांत साधना करनी होगी या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह राष्ट्र साधना करनी होगी मुझे जब भी आप सबके साथ संवाद करने का अवसर मिलता है किसी छात्र एवं छात्राओं के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिलता है तो मैं एक बात ज़रूर कहता हूं क्योंकि हमारी सरकार उत्तराखंड के अंदर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके निर्देशन में काम कर रही है और हमने सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड निर्माण के अपने जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है आप सब जानते हैं विकल्प रहित संकल्प क्या होता है जिस संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है वही विकल्प रहित संकल्प होता है वो मैं आप सबके बीच में दोहराता हूँ मैं इस अवसर पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी जो हमारा ये विकल्प रहित संकल्प है श्रेष्ठ उत्तराखंड का उसमें अपनी जो सहभागिता है वो अवश्य सुनिश्चित करें क्योंकि जिस भी समाज का युवा जागृत हो जाता है वह समाज निश्चित रूप से विकसित समाज बन जाता है या समाज व समाज आगे बढ़ जाता है देश या प्रदेश जो भी हमारे सामने उदाहरण है वहाँ पर छात्रों की छात्राओं की नौजवानों की युवाओं की हमेशा बड़ी भूमिका रही है आगामी वर्षों में उत्तराखंड देश का सबसे समृद्धशाली और सशक्त राज्य हो इस भावना के साथ हम सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी हमारी सरकार के इस संकल्प की पूर्ति में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे एक बार फिर से मैं आप सब की तरफ से समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का देवभूमि आगमन पर और आज इस दीक्षांत समारोह में आप सभी को उपाधि देने के अवसर पर उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया मैं उनका अभिनंदन करता हूं स्वागत करता हूं और आप सभी को दीक्षांत समारोह की और आगे के भविष्य की उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ देता हूँ और बाबा केदार से कामना करता हूँ कि आप अपने जीवन में जिस क्षेत्र में भी जिस क्षेत्र का भी चयन करें उस क्षेत्रों में आप सफलता को छुएँ और यही आपसे आप, आप सबके लिए कामना करते हुए मैं अपनी बाणी को विराम देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीषपूर्ण वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय समारोह के अति विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी जो भारतीय सेना में अपने सैन्य कौशल और दक्षता के लिए जाने जाते हैं वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल पद को सुशोभित कर रहे हैं आपका व्यक्तित्व वीरता साहस दया करुणा सरलता और ईमानदारी का मिश्रण है अपनी सैन्य क्षमता से लेकर उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में अपनी भूमिका तक आप हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं मैं माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी से उनके उद्बोधन हेतु निवेदन करती हूँ माननीय राज्यपाल महोदय जय हिंद सर्वप्रथम मैं देवभूमि और वीरभूमि उत्तराखंड के समस्त परिवारजनों की ओर से राष्ट्रपति महोदय जी का उत्तराखंड आगमन पर हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रपति महोदय जी की गरिमामयी उपस्थिति में ही इस विश्वविद्यालय के ग्यारहवीं दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है राष्ट्रपति महोदय जी यह श्रीनगर की धरती एक ऐतिहासिक धरती है यहाँ देवताओं के पवित्र मंदिर हैं वीरों की महान गाथाएं हैं तो साथ ही वर्तमान सदी के यह नगर विद्युत परियोजना के एक बड़े केंद्र होने के साथ साथ एनआईटी और अर्ध सैनिक बलों के प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र भी है केंद्र सरकार के प्रयासों से अब तो यहां रेल मार्ग का भी आगमन हो रहा है हम कह सकते हैं कि इस प्रकार श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड की प्रगति का एक आधार केंद्र बन गया है महोदय यह विश्वविद्यालय भी पहाड़ के लोगों के लंबे संघर्ष के प्रतिफल के रूप में स्थापित हुआ इस विश्वविद्यालय के निर्माण में हिमालय पुत्र के नाम से विख्यात स्वर्गीय हेमवती नंदन भोगना जी ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया आज यहां से मैं स्वर्गीय हेमवती नंदन भोगना जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ आज दीक्षांत समारोह में सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों को हृदय से बधाई देता हूँ जिन्होंने आज उपाधि और मेडल मिला है और जो अपने जीवन के आगे की ओर बहुत महत्वपूर्ण यात्रा की एक शुरुआत कर रहे हैं मैं सभी छात्र छात्राओं के माता पिता और उनके परिवार के अन्य सदस्यों का भी हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं मैं विश्वविद्यालय परिवार के सभी शिक्षकों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपने मार्गदर्शन में सभी विद्यार्थियों का सर्वागीण विकास करने में मुख्य भूमिका निभाई है प्रिय विद्यार्थियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दीक्षांत पढ़ाई का अंत नहीं है बल्कि सतत शैक्षणिक जीवन की यात्रा का एक पड़ाव है शिक्षा एक अंतहीन यात्रा के समान है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है इट्स कंटिन्यूस आप अपना लक्ष्य महान रखिए उमंग उत्साह और ऊर्जा के स्रोतों से हमेशा जुड़े रहिए और कभी हार मत मानिए सफलता आपको अवश्य मिलेगी आप ऐसे समय में समाज में अपना योगदान देने जा रहे हैं जब हम आजादी के अमृत काल में विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु भारत बनने के महान संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं हमारा लक्ष्य वर्ष दो तक विकसित राष्ट्र बनने का है जिसको प्राप्त करने में आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य सरकार हमारे सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में नवाचार और तकनीक के संगम को बढ़ावा देने के साथ साथ पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र विकसित कर रही है जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं ताली नहीं मारेंगे हमारे सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षण प्रशिक्षण एवं शोध परियोजनाओं पर तेजी से कार्य हो रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्देशन में विश्वविद्यालयों महाविश्वविद्यालयों, शिक्षण एवं शोध संस्थानों में अतुलनीय कार्य हो रहा है और जब हम आप हमारे राज्य के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर देखते हैं तो अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है इस विश्वविद्यालय ने विगत 50 वर्षों में निरंतर ज्ञान और शोध के क्षेत्र में बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं यह विश्वविद्यालय समाज के बौद्धिक शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए निष्ठावान और दायित्व बोध के साथ देश के योग्य नागरिकों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है अपने दो वर्षों के कार्यकाल में एक बात जिसने मुझे सबसे प्रभावित किया है वो हमारी मात्र शक्ति और हमारी बेटियों की है आज भी हमने देखा कि किस संख्या में हमारी बेटियों ने अवार्ड और मेडल्स जीते हैं यह अत्यंत गर्व की बात है हमारे परिवार के लिए राज्य परिवार समाज के प्रति आपका समर्पण और योगदान अत्यंत प्रशंसनीय है मैं जहां भी गया हूं मैंने यही पाया है कि पहाड़ की मातृशक्ति पहाड़ की तरह मजबूत और जीवित है हमारी मातृशक्ति और बेटियों की उपलब्धियों से मुझे व्यक्तिगत रूप से आनंद और गर्व की अनुभूति होती है प्रिय विद्यार्थियों आज आपके अथक परिश्रम के बाद प्राप्त होने वाली डिग्रियां और मेडल को पाने के लिए उत्साह से भरे हुए हैं आप साथ ही आप अपने ज्ञान बुद्धि एवं मूल्यों से समाज की उन्नति के लिए नया प्रण भी ले रहे हैं इस अवसर पर मैं यहाँ की फैकल्टी द्वारा आपके स्वर्गीण विकास और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए आपको पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज सभी अपने जीवन में अनेक उपलब्धियां प्राप्त करेंगे उत्तराखंड प्रदेश की ओर से मैं आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं एक बार पुनः आप सभी को बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं छात्र छात्राओं एवं सभागार में उपस्थित सभी के मनोबल को बढ़ाते प्रेरक शब्दों के लिए माननीय महोदय आपका हृदय की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद अब मैं भारत गणराज्य की प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि दीक्षांत समारोह को संबोधित करने की कृपा करें माननीय राष्ट्रपति जी हेमावती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपस्थित उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कुलाधिपति डॉक्टर योगेंद्र नारायण जी कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नटियाल जी अधिकारीगण शिक्षकगण और कर्मचारीगण अभिभावकगण और प्रिय छात्र छात्राएं, देवियों और स्वजनों देवभूमि उत्तराखंड के शिक्षा केंद्र हेमावती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में आकर मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है यह दिलचस्प तथ्य है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना में जौन आंदोलन की प्रमुख भूमिका थी सत्तर के दशक में शिक्षा के लिए आंदोलन करना यहाँ की विकसित जनचेतना का प्रतीक है मुझे खुशी है कि वर्ष उन्नीस में स्थापित इस विश्वविद्यालय ने समय के साथ अपने आप को ढाला है आज जब हम वीमेन लीड डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तब तो इस दीक्षांत समारोह की विषय वस्तु सशक्त महिला समृद्ध राष्ट्र हेमावती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की प्रगतिशील सोच को परिलक्षित करती है मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या छात्र से अधिक है आज जिन चौयाचलीस विद्यालयों को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है उनमें तीस बेटियां हैं मैं आज डिग्री और पदक प्राप्त करने वाले सभी बेटे और बेटियों की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ देवियों और सजनों उत्तराखंड में शिक्षा को जीवन में सदैव महत्वपूर्ण स्थान दिया जा जाता रहा है यहाँ के लोगों का शिक्षा से लगाव राज्यों की साक्षरता दर से भी परिलक्षित होता है कि राष्ट्रीय औसत से और बेहतर कर रहे हैं इस क्षेत्र में हिंदी साहित्य को कई बड़ी प्रतिभाएं दी है नंदन पंत से लेकर मनोहर श्याम जोशी शिवानी हिमांशु जोशी तथा तो मंगलेश डबलाल तो एक लंबी प्रेरणादायक परंपरा रही है इस क्षेत्र के जनमानस में देश प्रेम की भावना भी कूट कूट कर भेरी है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और बाद में केंद्रीय गृह मंत्री रहे गोविंद वल्लभ पंत इसी क्षेत्र से थे हेमावती नंदन बहुगुणा जिनके प्रयासों का प्रतिफल ये विश्वविद्यालय है अपने समय के एक दिग्गज राजनीतिक थे जो केंद्र में मंत्री भी थे रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी भक्त दर्शन जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बद्रीनाथ मंदिर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था एक अच्छी शिक्षाविद थे उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जो, आदित्यनाथ भी इसी क्षेत्र में से थे ये धरती ऐसे अनेक व्यक्तियों की जन्मभूमि रही है उनमें से कुछ का ही मैंने यहाँ उल्लेख किया है भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा में उत्तराखंड का योगदान अतुलनीय है जीवनदायिनी गंगा और यमुना का उद्गम स्थल यही है बद्रीनाथ केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे तीर्थस्थल है यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कुंभ का भी मेला है इस क्षेत्र की केदार केंद्राओं और गुम्फाओं में भारत भूमि के मुनियों के तोप का बोल है यहाँ के वनों में जीवन का मंत्र है इस राज्य में अनगिनत जल स्रोत निकालकर मैदानों भागे में भागों में वनस्पतियों जीव जन्तियों और मानव को जीवन प्रदान करते हैं देवियों और सजनों पहाड़ों पर जीवन संघर्ष पूर्ण पूर्ण है अभी पिछले महीने ही अनस्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में पलायन और यहाँ के संघर्षपूर्ण जीवन को दर्शाने वाला सृष्टि लाखेरा द्वारा निर्देशित फिल्म एक था गांव को बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला मुझे इस बात का संतोष है कि केंद्र और राज्य की सरकारें संतुलित विकास और स्थानीय रोजगार सृजन पर ध्यान दे रहे हैं उत्तराखंड पर्यावरण की दृष्टि से अति संवेदनशील राज्य है यहाँ पर मैदानी और तटीय इलाकों की तरह बड़े उद्योग स्थापित करने की अपनी सीमा है इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्सेस के ऑप्टिमल यूज के लिए रिसर्च और नई नई इनोवेशंस की आवश्यकता है स्थानीय आवश्यकताओं और बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए कैसे आर्थिक विकास किया जाए और रोजगार के अवसर पैदा किया जाए ये आपके सामने चुनौती भी है और अवसर भी है इस राज्य के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के कारण हेमावती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है इस विश्वविद्यालय से जुड़ी सभी लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि आप शिक्षा को समाज के साथ जोड़े उसे समाज की बेहतरी और कल्याण में लगाएं। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर पर्वतीय पौधों के सर्वाइवल एडप्टेशन एंड प्रोडक्टिविटी पर शिक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान कर रहा है ये भी प्रसन्नता की विषय है कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वयरमेंटल साइंस द्वारा उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्र के जैव संसाधनों के संरक्षण पर अनुसंधान किया जा रहा है जिस राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन जैसा आंदोलन हुआ हो उस राज्य में स्थित इस विश्वविद्यालय के द्वारा किए जा रहे ये प्रयास सर्वथा उपयुक्त है देवियों और सज्जनों, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि ये विश्वविद्यालय आगामी एक दिसंबर को अपनी स्थापना व पचास वर्ष पूर्ण कर रहा है इस दुर्गम इलाके में एक सामान्य शुरुआत करते हुए ये विश्वविद्यालय आज अपने तीन कैंपसेस और ग्यारह स्कूल्स के माध्यम से पूरे गढ़वाल में ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है इसके लिए मैं सभी पूर्व और वर्तमान शिक्षकों प्रशासकों और विद्यार्थियों की सराहना करती हूँ ये स्वर्णिम यात्रा आप सबके लिए गर्व करने का अवसर है लेकिन साथ ही भविष्य के रूपरेखा तय करने का अवसर भी है आप वर्तमान और भविष्य की स्थानीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे इसके लिए योजना तैयार करने और उसे सफल बनाने का संकल्प लेने का एक उचित अवसर भी है प्यारे विद्यार्थियों आज का दिन आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है मुझे विश्वास है कि यहाँ अजित ज्ञान के बल पर आप सफलता की ऊंचाई को छुएंगे इस अवसर पर मैं आप लोगों की तीन सलाह देना चाहती हूँ आप लोगों को पहला आप अपने जोड़ों को ना भूलें चाहे वो आपके दोस्त परिजन हो या स्कूल कॉलेज के दोस्त दूसरा अपने नैतिक मूल्यों से जैसे सच्चाई ईमानदारी और निष्पक्षता से कभी समझौता ना करें तीसरा आपने जो भी शिक्षा प्राप्त की है उसमें समाज का भी अहम योगदान है इसीलिए आप विकास यात्रा में पीछे छूटे हुए लोगों की भरसक मदद करें मैं महान कवि नंदन पौ द्वारा लिखित चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और लिखे हैं साहस दृढ़ संकल्प शक्ति श्रम नवयुग जीवन का रच उपक्रम नव आशा से नव आस्था से नई भविष्य स्वप्न सज धन्यवाद जय जय हिंद, भारत। अत्यधिक ओजपूर्ण एवं सार शब्दों द्वारा उपाधि धारकों का उत्साहवर्धन एवं हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए भारत की माननीय राष्ट्रपति जी आपका हार्दिक धन्यवाद अब मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से विनम्र आग्रह करती हूं कि वे ग्यारहवें दीक्षांत समारोह के औपचारिक समापन की घोषणा करें माननीय कुलाधिपति महोदय मैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के आज के दीक्षांत समारोह के समापन की विधिवत घोषणा करता हूँ सभी उपस्थित जन से निवेदन है कि वे राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल जय हे भारत भाग्य विधाता निवेदन करती हूं कि अकादमिक शोभा यात्रा दीक्षांत समारोह से प्रस्थान करने का कष्ट करें